स्लाइड नंबर कहां तक कराया था फिर से बोलिए। ठीक है शांति, आवाज नहीं चाहिए दूसरे क्लास की, नहीं तो आप लोग को बैठा देंगे गैलरी में छोटी कुर्सियों पे। ठीक है मैंने आप लोग को ट्रायंगल का पैरामीटर निकालना सिखाया था, याद है आप लोग को? ठीक है अब बैठे क्यों है, कुछ कर ही लीजिए। ट्रायंगल का पैरामीटर कल मैंने बता दिया था, जो नहीं आपने आए हो क्लास में तो वीडियो देखना ग्रुप। आप YouTube जाके देख लीजिएगा मेंसुरेशन पार्ट 3, और शायद ग्रुप पे है या नहीं है, नहीं है तो मैं ग्रुप पे तो नहीं भेजने वाला किसी को, आपको वहां से देखना होगा। देखिएगा एक हमारा ट्रायंगल है, ABC 10-14 feet, ठीक है ये हमारा ट्रायंगल है सेंटीमीटर में, नहीं आ रहा है लेकिन कहाँ है इक्वल, क्यों कोई जरूरी नहीं। ठीक है अब हमें क्या निकालना है इसका पैरामीटर, तो आपको पता ही है क्या करेंगे आप बताइए क्या करेंगे। पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। लास्ट वार्निंग है अगर सेवेंथ क्लास इसके बाद बात करती मिल गई मेरे किसी की तरह सीधे वहां गैलरी में बैठा देंगे, गर्मी मरते रह जाओ, आराम से चुप रहो मुंह बंद कर रहो। तो ठीक है भाई 10 + 14 + 15 कितना हो जाएगा 39 सेंटीमीटर। आप आज इतने पहले कैसे आ गए? उदित क्यों आपके हाथ में लकवा लगा हुआ है क्या, पैरालिसिस है? निकम्मेपन आपका इंटेलिजेंस उसी समय खत्म हो जाता है ना जब याद रखिएगा। ठीक है ठीक है तो अब हम इसको हमको इसका पैरामीटर निकालना है, तो किस तरह साइड अब पता करनी है, पैरामीटर तो पता ही है दो साइड पता है तो तीसरी साइड ही तो पता करनी है ना, तो इसको देखिए किस तरह करते हैं। हम लिखते हैं पैरामीटर इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA, तो पैरामीटर 36 सेंटीमीटर है ही और AB हमारा कितना है 12, BC हमारा है 14 और ये है व्हाट। ठीक है तो 36 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 26 प्लस CA, तो CA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए। सी मतलब कि हम क्या करेंगे कि इसको पलट देंगे, मतलब 26 प्लस CA इज इक्वल टू 36, ये कर सकते हैं, पलट दिया हमने इसको एक तरफ रख दिया, इसको दूसरी तरफ ले गए इसी तरफ। अब हमें पता है CA इज इक्वल टू क्या होगा 36, ये बेटा प्लस में है कुछ नहीं है तो प्लस है, उस साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा 26, तो CA इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये हो गया 10 सेंटीमीटर। जिसको समझना है बताइए। ठीक देखिएगा फिर से एक ट्रायंगल है, अपना ज्ञान अपने पास, एक ही ट्रायंगल है जिसमें AB 12 सेंटीमीटर और दूसरा साइड भी दिया हुआ है, और इस ट्रायंगल का पैरामीटर बता रखा है कि एक ट्रायंगल का पैरामीटर 36 सेंटीमीटर है, उसका एक साइड 12 दूसरा 14 सेंटीमीटर है, तो तीसरा साइड आपको बता है। ठीक है बताया ना मैंने, ये क्या लिखा है मैंने बिफोर पापा जी थोड़ी है, मैंने बताया ना कि पैरामीटर दे रखा है, कहां हो तुम्हारा दिमाग, दिमाग यहां लगाओ, जलेबी में है क्या दिमाग। तो पैरामीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, तो AB प्लस BC प्लस CA, तो पैरामीटर दिया था हमने 36, 36 लिख दिया और AB BC और CA कुछ नहीं था, तो ऐसे कैसा हमने ये पूरा दोनों को जोड़ा तो 26 प्लस CA, ये CA ही तो है ना, इसको उधर ले गए इसको इधर ले आए सहूलियत के लिए,
तो 26 प्लस CA इज इक्वल टू 36, तो CA को इधर ही छोड़ दिए और इस 26 को जो प्लस में था उधर ले जाएंगे। नहीं, जब किधर, मेरी बात सुनो, इसमें अगर आप केवल एक डिजिट को लेके जा रहे हो तब तो ये पूरा का पूरा एक इक्वेशन ही हम उधर चेंज कर रहे हैं, ये पूरा इक्वेशन ही चेंज हो गया, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा कोई दिक्कत, अरे उसको क्यों दिखा रहे हो, तुम बैठ के देख रहे हो, आंसर देख रहे हो क्या? तो 26 प्लस सी ए था इसका टू 36, तो सी ए इसका टू क्या होगा, अब 26 जब उधर जाएगा सिंगल है इसलिए माइनस हो जाएगा और ये माइनस में हो गया तो टेंशन क्यों, इसको समझ में नहीं आया, नहीं है? एक ट्रायंगल का पैरामीटर 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हमको पता है पैरामीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है। पैरामीटर 36 से हमने 36 ली, सम ऑफ ऑल साइड तो AB प्लस BC प्लस 36 का 36 रहेगा, AB हमारा 12 है, BC हमारा 14 है और CA हमें पता है, तो ये 36 इसका टू 26 प्लस CA हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 26 आएगा ना, ठीक है। अब हमने क्या किया, अगर आप देखिए मेरी बात सुनिए, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, ये इक्वेशन का मतलब है कि 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू CA आप लिख ही नहीं सकते, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो हमको चलो ठीक है, आप कह रहे हो कि ये प्लस माइनस में आपको कंफ्यूजन हो रहा है, जैसा है वैसे ही हम सॉल्व करते हैं। ये 36 इधर है और इधर भी है नंबर, ये देख रहे हैं दोनों कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है ना, वेरिएबल समझते हैं ना, ABCD, तो आपको पता है कांस्टेंट एक तरफ रहता है और वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं, हम यही कर लेंगे। तो हमारे पास ये 36 था, ये था प्लस में, इधर ले जाएंगे तो माइनस में कर दिया हमने, इधर केवल CA बच गया, अब तो ठीक है ना। अब 36 में से 26 जाएगा तो क्या बचेगा, तो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू CA, और हम कभी भी ऐसे नहीं लिखते, लिखने का मतलब है वेरिएबल हमारा इधर रहता है, तो मतलब CA इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसको समझ नहीं आया, ये समझ में आया आपको, तुम्हें और भी टेस्ट देने, बेटे आज नहीं जा सकती तुम, दिन पता है ना, आराम से बैठे रहो। किसको समझ में नहीं आया बताओ, आया अब तो आ ही गया होगा, देखो दिख रहा है, रेक्टेंगल का पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ, L मतलब लेंथ, B मतलब ब्रेथ, स्क्वायर का मतलब 4 इनटू साइड, मैं यहां करके भी दिखा देता हूं, देखो अगर ये रेक्टेंगल है, ये है 8 सेंटीमीटर, तो ये हो गया लेंथ और जो छोटा वाला होता है वो होता है उसका ब्रेथ, तो अगर इसको निकालना है तो 2 इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 इनटू लेंथ कितना है 8 है, ब्रेथ हमारा 4 सेंटीमीटर है, तो 2 इनटू 8 4 12 हो गया, तो 24 सेंटीमीटर इसका हमारा इस रेक्टेंगल का एरिया निकल के आ गया, सॉरी पैरामीटर निकल के आ गया, ठीक है। इसी तरह स्क्वायर का देखेंगे, स्क्वायर के सारे साइड बराबर होते हैं तो 4 इनटू साइड है इसका, पता है आप लोग को, तो कोई भी एक साइड आपको जैसे दे दिया जाएगा, जैसे मान लो कि 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 4 इनटू साइड होता है ना, तो 4 इनटू 8, तो 8 4 जा 32 सेंटीमीटर, ठीक है, ये इसका एरिया आपको वो निकल के आ गया, क्या कहते हैं पैरामीटर, ये दोनों समझ में आया, आया तो आओ ना, आ गया हो ना, वहां पे बैठे बैठे कौन सा क्या उछेल ले हुए, ये है हमारा क्या कहते हैं रेक्टेंगल, लंबाई ज्यादा होगी दो साइड बराबर हो, ये वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है, फॉर्मूला लिख लिया ना, आपको समझ में आता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पूछूंगा तो बताना,
ये रेक्टेंगल है, बाद में लिखो ना, सुन लो ना पहले, सुन रहे हो ना, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ फॉर्मूला होता है, तो लेंथ की जगह यहाँ 8 लिख दिया और ब्रेथ की जगह 4 लिख दिया, छोटा वाला ब्रेथ होता है, बड़ा वाला लेंथ होता है, समझ में आ रहा है, ये रिकॉर्ड हो रहा है सारा चीज, 2 इंटू 12 8 4 12 होता है ना, और ये ब्रैकेट मतलब की गुने का निशान, ये मल्टीप्लाई का निशान होता है, ब्रैकेट हट गया तो मल्टीप्लाई, 2 गुने 12 कितना 24 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ गया, और ये 4 इंटू साइड, तो मान लो कि अगर एक 8 है तो सारे 8 सेंटीमीटर 4 इंटू साइड, तो 4 यहाँ लिख दिया और साइड कोई भी एक ले लेंगे, 8 हो गया, तो 4 8 जा 32 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर का निकल के आ गया, ठीक है। ट्राइंगल का देख लो, सम ऑफ ऑल साइड, कोई भी तरह का ट्राइंगल हो, मान लो ये भी 4 है, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर है, तो 4 + 4 + 8 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर आंसर हो गया, सीधे सीधे सारे साइड को प्लस कर देते, बस भाई बैठिए, क्वेश्चन चले गए 100 स्लाइड तक, यहाँ लेंस पढ़ाओ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सम ऑफ ऑल साइड ही होगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, आपने नहीं लिखा है तो वीडियो पॉज करके लिख लेना, घर पे आपको मैंने ये बता दिया कि रेक्टेंगल का, स्क्वायर का और ट्राइंगल का पैरामीटर किस तरह निकालते हैं, ठीक है। अब आपको जानना है कि पेंटागन और हेक्सागन का और कैसा होता है, वो दिखा दूं पहले आपको। अगर पेंटागन की बात हो, ये तुम पेपर करो ना भाई, बैठ जाओ, जा कर लो, आ गया पेपर एक, दिख रहा है आपको, एक और बन रहा है, तब तक करो, देखिए ए बी सी डी ई एक पेंटागन है, ठीक है, और देखिए पैरामीटर ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, देख लीजिएगा, पैरामीटर ऑफ, ये पेंटागन है, मैं लिख दे रहा हूं पेंटागन, पांच साइड वाला रिकॉर्ड हो रहा है, याद रखिएगा, घर पे थोड़ा फोन आधा घंटा लेके देखिए, 24 घंटे होते हैं, नहीं तो कल है ना सुझाएंगे नहीं, फुला के फाड़ के घर भेजेंगे। पैरामीटर ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, अब इससे ज्यादा आसान मुझे नहीं लगता कि कुछ मैथ में होता है, सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है, 4 + 4 + 4 + 4 = 20 cm, ठीक है, कहा है, जाओ भाई उधर जाओ, इंग्लिश वाले आधे उधर जाओ आधे इधर आओ, अरे तुम हिंदी में हो ना, वो कौन, अच्छा सुमित है, ठीक है, चार बच्चे इधर चार बच्चे उधर, देखिए पेंटागन समझ में आया, किसको समझ में नहीं आया, पांच इसके साइड होते हैं, 1 2 3 4 5, इस पे जो जो लिखा होगा उसको लिख के प्लस कर देना आंसर आ जाएगा, मैं एक और करके दिखाता हूं, जैसे मान लो ये भी एक पेंटागन है, ठीक है, ये पेंटागन है, अगर ये 2 सेंटीमीटर ये 2 सेंटीमीटर ये 2 ये 2 ये 2, 2 5 सा 20, 5 into a हो जाएगा 5, सम ऑफ ऑल साइड, देखो इसमें जैसे मान लीजिए कभी छोटा बड़ा हो गया, या मान लीजिए किसी का, एक सेकेंड, किसी पेंटागन का अगर मान लीजिए कि साइज बराबर ना हो, किसी का बड़ा किसी का छोटा हो गया, तब क्या करेंगे, तो हम लोग सम ऑफ ऑल साइड ही चलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल साइड, इसमें भी सम ऑफ ऑल साइड, हेक्सागन में भी सम ऑफ ऑल साइड ही करेंगे, हाँ लेकिन याद रखिएगा अगर सारे साइड बराबर है तो 5 इनटू साइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं,
बराबर नहीं है तो आप सम ऑफ ऑल साइड, आप कंफ्यूज मत करिए बच्चों, सम ऑफ ऑल साइड फाइंड। क्या क्या बिल्कुल वही होगा, हेक्सागन मतलब जिसके छह साइड होते हैं, एक दो तीन चार पांच छह हो गया ना, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, बस बस ये हेक्सागन है जिसके छह साइड्स होते हैं, आपको दिख रहा होगा, इसमें भी सम ऑफ ऑल साइड सिक्स सिक्स 36 सेंटीमीटर, सुन मैं बिल्कुल, मैंने तो कहा है नहीं करिए, सारा करिए आप लोग का, तो मैं शॉर्ट का टेस्ट ही नहीं ले रहा तब आप लोग का ये हाल है। अब जिस भी चैप्टर का आप लोगों ने वेरी शॉर्ट और ये सब दे रखा है ना, तो अगली बार उसका शॉर्ट और लॉन्ग का ही टेस्ट लेंगे क्या? अरे ये हेक्सागन मतलब इसमें एक दो तीन चार पांच छह साइड गिन लेना, अगर ऐसा हो तो हेक्सागन है सम ऑफ ऑल साइड, और पांच साइड होंगे तो पेंटागन है उसमें भी सम ऑफ ऑल साइड, मतलब सारे साइड को प्लस करना है, नहीं करेंगे। अगर रेगुलर पेंटागन या रेगुलर हेक्सागन होगा तो देख लीजिए, रेक्टेंगल और स्क्वायर को, ठीक है रेक्टेंगल और स्क्वायर को, वही बात है, रेक्टेंगल और स्क्वायर को छोड़ के आप सबका क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड कर दीजिए सेंटर की, ठीक है। अरे तो इनको वो समझा दे कि कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, क्यों लिखेंगे, फोर इंटू साइड होता है ना उसका, तो फिर क्यों कंफ्यूज हो गया, रेक्टेंगल और क्या स्क्वायर का फॉर्मूला याद हो गया, स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या देख ले, कल भी फाइव दिखाएगा क्या, फोर इंटू साइड होता है स्क्वायर का, और रेक्टेंगल का टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, याद रखना है इन दोनों को, बाद बाकी कोई भी पिक्चर आएगा तो हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है, क्लियर। देखिएगा मैंने बोला था ना कब नहीं कर रहे, तो उसको मारो मुंह पे, क्लास के बाद टाइम मिलेगा ना आपको गप करने का, सड़क भी सड़क पे जहां ट्रक आ रही हो, पता है तुम्हारे मैथ का एक घंटा कितना कीमती तुम्हारे लिए, दो ही घंटा हफ्ते में मैथ कराता हूं और इतने चैप्टर्स हैं, इनसे पूछो जो बगल में बैठे, 11 क्लासेस चली गई लाइन एंड एंगल्स में, 136 स्लाइड का ही है, 136 स्लाइड का है, 11 क्लास दे दिए, एक एक क्वेश्चन कराना पड़ रहा है, क्योंकि मान लीजिए इनको समझ में आ जाए, और बच्चे नीचे बेसिक खत्म है, पढ़ते ही नहीं है घर पे, महालड्डू है, देखो यहां पे, देखिए ये हमारा एक रेगुलर हेक्सागन है, याद रखना, अगर मैंने रेगुलर कह दिया, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है, अगर रेगुलर कह दिया मतलब सारे साइड बराबर है, अगर मैंने इसका तीन लिख दिया तो ये भी तीन, ये भी तीन, ये भी, ये भी, ये भी सारे तीन हो जाएंगे, बस मेरे आस्था दादी आगे नहीं,
जाओ बेटे, दादी बाहर खड़ी है ना, बाद में करना, जाओ और क्या करो, राखी क्या करो। अगर रेगुलर हो, रेगुलर हेक्सागन हो, रेगुलर पेंटागन हो, अगर ऐसा कुछ हो तो याद रखिएगा, मतलब सारे साइड बराबर, ऑल साइड्स आर बराबर, इक्वल सर, तो हम वहां पर वो लगा देंगे। हेक्सागन मतलब क्या हो जाएगा, 6 into साइड हो जाएगा ना, और अगर पेंटागन होगा तो 5 into साइड। अब देखो आपको क्वेश्चन में ये दिया गया है, जाने की इच्छा है तुम्हारी, जाओ जाने की इच्छा है, कहा गया है क्वेश्चन में, ध्यान देंगे कि एक रेगुलर हेक्सागन है और उसका जो पैरामीटर है वो 18 सेंटीमीटर, कितना 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, क्लियर ना, पैरामीटर जो है इस रेगुलर हेक्सागन का 18 सेंटीमीटर है, तो इसका एक साइड आपको बताना है। देखिए आपको सॉल्व कैसे करना है वो देखिए, स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे आप, ये नहीं कि मुंह से ओरल बता दिए तो फिर मैं मुंह पे ही नंबर दूंगा। पैरामीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इसका 18 सेंटीमीटर। आ रहा है समझ में, आ रहा है, नहीं आएगा तो यहां पूछ लीजिए। अब रेगुलर हेक्सागन है इसका मतलब क्या है, एक हेक्सागन में साइड कितने होते हैं, रेगुलर हेक्सागन का फॉर्मूला क्या बताया है, 6 into साइड, मतलब कि 6a, साइड मतलब कि यहां देखो पैरामीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन मतलब कि 6a है, 6 साइड का जो टोटल पैरामीटर है 18 सेंटीमीटर है, तो एक साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, 18 ये मल्टीप्लाई में था तो नीचे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 3 सेंटीमीटर हमें पता चल गया, एक साइड 3 तो सारे 3 3। समझ में आया, फिर से बता देते हैं, एक रेगुलर हेक्सागन का जो साइड है, सॉरी पैरामीटर है 18 सेंटीमीटर हमने लिख दिया, हमें पता है कि रेगुलर हेक्सागन का फॉर्मूला क्या होता है, 6a, रेगुलर पेंटागन का फॉर्मूला लिख लो, मैं यहां लिखवा रहा हूं, देखिए पैरामीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन इसका 6 into साइड, 6a मतलब किसको इसका लिख लेना, 6 into साइड कर दो, लेकिन अगर सम ऑफ ऑल साइड करेंगे तो एक इस तरह का कैलकुलेशन प्रॉब्लम होने लगेगी ना। अब इसको मैं 6a या 6 into साइड, और रेगुलर पेंटागन क्या होगा, बिल्कुल 5a या 5 into साइड, क्लियर है।